टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वेलकम टू द मजेदार शो विद आदि एंड फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराता हूँ हमारे सिंगर काशिफ भाई से। काशिफ भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम फैजान भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और क्योंकि हमारा पुराना बैंड हो गया है फरार, इसलिए अब आ गया है हमारे पास नया बैंड करार। कैसे भाई लोग, सब ठीक ठाक हैं? मजे में, वेरी गुड। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनी और हाफ की। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अदील अमजद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आदि भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आदि भाई, क्या चल रहा है मार्केट में? मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में ये चल रहा है कि जब भी कोई चीज सही होने लगे या कोई चीज बेहतरी की तरफ जाने लगे तो उसमें लगा दो बैन। अच्छा जी सर, आजकल बैन का एक फैशन चल रहा है, ठीक है। और अफसोस भी होता है और देखने को होता है कि यार ये क्या तरीका है। हाँ, मेरे ख्याल से आप भी उसी बैन की बात करें जिस बैन पे मैं बात करना चाह रहा था। जी जी, रिसेंटली जी एक फिल्म रिलीज हुई जिसका प्रीमियर हुआ बेसिकली जावेद इकबाल के नाम से जी, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया, पूरी इंडस्ट्री वहां मौजूद थी। और ऑब्वियसली जब एक फिल्म रिलीज होती है या उसका प्रीमियर होता है तो वो सेंसर बोर्ड से उसको गो अहेड मिलता है, तभी वो जाके प्रीमियर पे जाती है या फिर वो रिलीज पे जाती है। बिल्कुल ठीक है ना। जावेद इकबाल का प्रीमियर हुआ, लोगों ने पसंद किया, सब देखा, लेकिन उसके बाद उस पे बैन लगा दिया गया। कैसा? पंजाब सेंसर बोर्ड ने कहा कि ये फिल्म सूटेबल नहीं है देखने के लिए। या था कि जब वो रिलीज हुई या जब उसका प्रीमियर हुआ तो उस पे PG-18 की रेटिंग मौजूद थी कि इट्स ओनली फॉर एडल्ट्स बिकॉज़ उसका टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है। तो ये अचानक से क्या हुआ हमारे सेंसर बोर्ड? बस यही है, फिर हम एक काम करते हैं, फिर हम फिल्में बनाते हैं जिसमें सास बहुएं लड़ी होंगी, दो दो शादियां हो रही होंगी, हम इन टॉपिक से कभी निकलेंगे नहीं और बाद में रोते रहेंगे कि हमारी ऑडियंस ग्रो नहीं। तो फिर हमें फिल्म बनानी ही क्यों है अगर हमने फिल्म में भी वही दिखाना जो हम टीवी पे दिखा रहे हैं? आर्ट को कोई फायदा ना पहुंचे, म्यूजिक को कोई फायदा ना पहुंचे, जो लोग करोड़ों रुपए खर्च करके फिल्में बना रहे हैं, जो बच्चे लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करके पढ़ रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। हम एज एन परफॉर्मिंग आर्ट्स इंडस्ट्री हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे और ये मेरे ख्याल से सबको डीमोटिवेट करने की बात है। जितने भी नए प्रोड्यूसर्स हैं या जितने भी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स हैं, जब वो ये देखेंगे यार एक फिल्म बनी, अप्रूव हुई और लगी और उसके बाद बैन आ गया तो मैं पागल हूँ अपना बेशक 1 करोड़ रुपया ही सही मैं क्यों लगाऊँ? अच्छा, मुझे एक और बात समझ में नहीं आती। देखें, ये जिस टॉपिक पे ये कहानी बनाई गई है, जिस फिल्म बनाई गई है, वो कहानी सच्ची है, एग्जिस्ट करती है, हमारे यहाँ हो चुका है, तो हम उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? मैं ये नहीं कहता कि तमाम फिल्में ऐसी बनाई जाएं, लेकिन जब 100 फिल्में बन रही हैं उसमें से एक फिल्म कम अज़ कम ऐसी हो जिसमें उस सब्जेक्ट पर बात की जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हमने एक बहुत अच्छा प्ले TV1 से किया था जिसका नाम था दिल ना उम्मीद तो नहीं है, वो भी उससे बहुत हटके था चीज़ों से, उस पर भी बहुत सारा शोर हुआ था कि जी ये क्यों, ऐसा क्यों। तो ये हमारे ही मुआशरे की चीज़ें हैं जिसको हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं और में कोई बुराई नहीं है। आप इसको एक्सेप्ट करें, उसको एड्रेस करें और लोगों को अवेयरनेस दें। और फैजान, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये टॉपिक इतना बुरा लगा या इतना हार्श लगा तो आपने जोकर क्यों लगा दी सिनेमा में? हाँ, वो तो कोई बच्चों का डायनासोर नहीं था। Exactly, उससे ज़्यादा डार्क फिल्म तो हो नहीं सकती। तो वो क्योंकि इंग्लिश फिल्म है और पता है वहां से बिजनेस आता है और सारी चीजें चलती हैं और ये वो लग रही है, लेकिन अगर हमारा पाकिस्तानी कोई विलन के ऊपर, विलन ही है वो, उस पर अगर एक फिल्म बना रहे तो आपको मसले हो रहे, तो हमारा माशाल्लाह से वैसी कोई दीन ईमान नहीं है। हम लोग एक जगह चलान काटते हैं और दूसरे वाले से आप 500 रुपया लेके छोड़ देते हैं, तो ये वही सिस्टम है, चलता रहेगा, अल्लाह मालिक है। वे कहते हैं कि जी वो माशरो आगे नहीं बढ़ते जहां पर कहानी सुनाने की इजाजत ना हो। सही तो बराए मेहरबानी कहानियां सुनाने दें। हाँ। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि हम सिर्फ इसी तरह की कहानी सुनाएंगे, हर तरह की कहानियां होती हैं और एग्जिस्ट करती हैं, उनको सुनाने दें, आप हमें आजादी राय देंगे। हाँ। इसी तरह अवेयरनेस फैलेगी और लोग इस बात का आगे से ख्याल रखेंगे और अकल को हाथ मारे। फिल्में, ड्रामे और ये जो स्क्रीन टीवी के ऊपर, ये जो शीशा होता है इसके ऊपर जो चीज आती है वो एक फैंटेसी होती है, ये कोई असली नहीं होता। अगर फैजान एक ड्रामे में मुझे थप्पड़ मारता है तो उसका ये मतलब नहीं फैजान ने मुझे असली में थप्पड़ मारा है, वो एक कहानी है, उसके कैरेक्टर है और वो जैसे ही खत्म होता है वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो इस बात को समझें, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। हम वैसे ही इतनी चीजों में फंसे हैं, आगे से इन चीजों में भी मसले मसाइल निकालने लग जाएंगे तो फिर तो हम कुछ भी नहीं रहेंगे, फिर हम आखिर में वोट देते रहेंगे, टैक्स लगवाते रहेंगे अपने ऊपर और फिर इंतजार करेंगे कि महंगाई कम होगी। बिल्कुल ठीक है आदि भाई, आज के जो
हमारे गेस्ट आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं। बिल्कुल ऐसी है। उन्होंने फिल्में की बहुत जबरदस्त की, उसके बाद उन्होंने टीवी किया बहुत जबरदस्त किया, फिर उन्होंने वेब पे काम किया बहुत जबरदस्त किया, उसके साथ साथ टीवी वन फैमिली का नया नया हिस्सा बने हैं। तो हम चाहते हैं, हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में उनको बेस्ट ऑफ लक भी कहा था, अच्छी विशेष भी थी। टीवी वन का मेरे ख्याल से वो बहुत पहले हिस्सा बने थे और फिर उसके बाद वो वापस बैक टू होम ग्राउंड वाली बात उन्होंने की। तो आज हम बेसिकली अपने एक नए मेंबर को, जैसे कहते हैं ना कि वेलकम कर रहे हैं, इस तरह का शो है। ऐसा ना हो कि वो हमें वेलकम करें क्योंकि वो हमसे पुराने हैं, ये भी हो सकता है। जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब वो 19 साल के थे। हैं? हाँ, लेकिन आज भी वो यंग लगते हैं। मुझे लग रहा है तुम इल्जाम लगा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मतलब वो एक बहुत अच्छे मॉडल भी हैं। हाँ। और ये उन लोगों में से हैं जो कभी शक्ल और जिस्म से कभी ग्रो नहीं, एज नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनमें से हैं। वेरी गुड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम आएंगे कहेंगे छोटे बच्चों मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे होता है। बिल्कुल ठीक है, इनको इनको बुलाएंगे और पूछेंगे कि हमें किस तरह से क्या चीज सिखाना चाहते हैं। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर अज़फर रहमान। वेलकम टू द मजेदार शो। सर तशरीफ रखिए, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, वेरी गुड। जबरदस्त हैं आप। व्हाट अ नाइस सेट। ये आदि भाई ने शुरू में कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद कभी एज ही नहीं करते। मतलब क्या सिलसिला है ये? हाँ। वो इतने फिट हैं, इतने अरसे से काम कर रहे हैं। इन्होंने ये तक क्लेम कर दिया शुरू में कि जब हम छोटे छोटे थे असफर तब से माशाल्लाह इतना अच्छा काम करते हैं। और मैं तो ये भी बताने वाला था कि शायद ये बकरी का दूध पीते हैं। बकरी लिखा होता ना जगह, हमारे मिथ है ना कि बकरी का दूध पी आप एज नहीं करते। लेकिन नहीं, अगर आप सही डॉक्टर्स के पास जाते ना तो यू विल नेवर एज। असवर भाई, ये ऐसे रहने का क्या वजह है? क्या आपके पास बहुत सारे पैसे हैं? क्या आप जिंदगी में सेटिस्फाइड हैं बहुत ज्यादा? या आपके क्या है ऐसी वजह जिसकी वजह से आप परेशान नहीं हो रहे? मैं परेशान नहीं होता। बिल्कुल माशाल्लाह, बोलो माशाल्लाह। नहीं नहीं, कुछ आपको क्या पता कि मैं परेशान होता या नहीं? देखिए, हमें तो यही सिखाया था, ये बोल रहे हैं हमने। अब आपने परेशानी वाला शो करने तो मेरे ख्याल से नहीं करें परेशानी। मेरे ख्याल से परेशान तो हर इंसान किसी ना किसी जगह अपनी लाइफ में किसी ना किसी बात को लेके जरूर होता ही है। बट मेरे ख्याल से यू नो यू शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, के यू नो द ग्लास इज हाफ फुल। हमेशा आपको एक वो देखना चाहिए, बेहतर एस्पेक्ट्स जिंदगी के हाईलाइट करने चाहिए। दूसरी चीज, आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज यू गाइज आर मच यंगर टू मी। मैं एक बात बताऊँ, लाइफ को या करियर को, किसी भी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली कभी मत लेना। यू नो, अगर आप ज़्यादा सीरियस किसी भी चीज़ को ले लेंगे ना, चाहे वो रिश्ते हो, रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, तो आई थिंक वो आपको बहुत कंज्यूम ज़्यादा कर लेते हैं। एंड देन यू नो यू टेंड टू बी, यू आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, फिर आप डिप्रेशन की तरफ, ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। आप वल्नरेबल भी हो जाते हैं। फिर सेकंडली, मुझे ऐसा लगता है फैजान, दैट यू नो वंस यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग एनीथिंग एट ऑल, कोई भी चीज़ से आपकी, अगर आपकी इस शो को लेके बहुत एक्सपेक्टेशंस हो जाए, या प्रॉब्ली यू नो आप कहीं लंच करने जा रहे हो, उस रेस्टोरेंट को यू नो छोटी से टेस्ट को लेके एक्सपेक्टेशन, हाँ हाँ, तो यू नो आपको डिसअपॉइंटमेंट का, कहते हैं एक्सपेक्टेशन लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट। मतलब ये वही बात होगी कि अगर हम एक शो में बैठ के सोचें कि आज काशिफ अच्छा गाना गा देंगे, ये गलती की तरफ चला जाएगा। एक्सपेक्टेशन करनी नहीं है। मैंने सीख लिया, समझ गया मैं कहाँ जा रहे थे आप। अच्छा, पर सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? किसने कहा कि ये करना है? खुद सोचा ये करना है? कैसे शुरू? नहीं नहीं, इट्स क्वाइट अ फनी स्टोरी। मैं ड्यूरिंग माय ओ लेवल्स के टाइम पे, मैं ऐसी यू नो बहुत ज्यादा उस वक्त, तो खैर जब मैं ओ लेवल्स कर रहा था, आई वाज क्वाइट अ सोशल पर्सन एट दैट टाइम। मैं जिस मैं स्कूल में, तो यू नो जो होते हैं पार्टीज होते हैं, फिर वो स्कूल के अंदर ही बहुत सारे हमारे इवेंट्स होते थे। So, you know, just by chance, I got to meet Mr. Saqib Malik, the director somewhere. So, उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा कि तुम ads क्यों नहीं try out करते हो? Just try out ads and all. So, then, you know, he gave me my first break. मैंने एक beverage का ad किया था. अच्छा ही. एक soft drink का. और वो उस एक commercial के बाद, then, you know, it was through Interflow. From here, only Anjum got me that commercial. अच्छा, ज़बरदस्त. Way back. तो उसके बाद फिर देन यू नो आई वाज बुक्ड फॉर एटलीस्ट 12 कैंपेन्स फॉर द सेम ब्रांड। अरे माशाल्लाह। तो वो फिर वो एक यू नो वन थिंग वाज लीडिंग टू अनदर। मुझे ऐसा लगता है, आपको पता है एक पॉइंट ऐसा था फैजान, आई वाज ऑल सेट टू लीव, मैं जा रहा था कनाडा पढ़ने के लिए, और वो एक पॉइंट ऐसा था दैट आई हैड टू डिसाइड कि या तो रुक जाऊँ या चला जाऊँ। सो देन यू नो आई स्टेड बैक। आपको कहते हैं ना, यू नो मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। एब्सोल्युटली। आई थिंक अल्लाह ताला को के प्लान्स जो होते हैं Eventually वो हमेशा सबसे बेहतर और वही पूरे भी होते हैं। अच्छा, लेकिन उस वक्त मुझे I'll take you back in the time, कि उस वक्त किसी ने समझाया कि तुम क्या कर रहे हो भाई, ये पता नहीं होगा नहीं होगा? किसने नहीं समझाया, किसने? लेकिन मैं बताऊँ, शो बिजनेस का जो नशा है ना, यू नो वंस यू नो, और आप जब छोटे भी होते हैं तो यू नो यू हैव अ फ्रेजाइल माइंडसेट, आपको होता है कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और दिमाग में
टू बी ऑनेस्ट वी शुड नॉट से दिस, दिमाग में तो बॉलीवुड ही चल रहा होता है बिल्कुल कि ओ माय गॉड बॉलीवुड जाऊंगा नहीं, या उनका स्टारडम भी ना कि इस तरह गाड़ियां होंगी और ये होगा और वो होगा और यू नो समबडी लाइक शिल्पा शेट्टी विल बी यू नो विथ यू और इस टाइप की चीजें दिमाग में होती हैं. बट यू नो आफ्टर यू नो यू ग्रो अप एंड ऑल, मुझे ऐसा लगता है कि ये थॉट्स भी बहुत जरूरी होती हैं जिंदगी में होना. आपको एक विजन देती हैं और एक जस्तजू देती हैं आगे बढ़ते हैं. एंबिशन होना चाहिए, एंबिशन डेफिनेटली होना चाहिए. सर भाई ये बताएं, जब आपने वो पहला कमर्शियल किया तो उसमें आप कहाँ थे? पीछे ब्लर में थे या कोई दरख्त बने हुए नहीं पता या आगे थे? नो नो लकीली मैं बिल्कुल मैं और उस वक्त आयशा, मैं आयशा खान और उमायमा थे और वी वर द फेसेस ऑफ द ब्रांड एट दैट टाइम. और आपकी तो किस्मत है. हाँ और वो और वो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप क्रिकेट कैंपेन थी बेवरेज की. सही है. तो मैंने भी आपकी तरह, मैं सच बताऊं मैंने पहली बार कैमरे के आगे ना कमर्शियल ही किया था. तो हमारी वो बिल्डिंग में कोई रहते थे, उन्होंने कहा कि बच्चों का ऑडिशन हो रहा है, हमने भी दे दिया, हम सेलेक्ट हो गए. ठीक है. तो सुबह हमें 6:30 बजे बुलाया और उन्होंने कहा कि बेटा ये आपकी साइकिल है, ये आपने चलानी है. मैंने कहा ठीक है. हम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हमने साइकिल चलाई चलाई जा रहे हैं. वो कह रहे गो, हम चलाए जा रहे हैं. अब उस वक्त मैं माशाल्लाह ट्रक के जितना होता था और साइकिल नजर नहीं आ रही थी, तो लोगों को लग रहा था शायद हवा में उड़ रहा है यहाँ से. वो एक अलग बात है. लेकिन मैंने पूरा दिन साइकिल चलाई. उसके बाद वो महीने दो बाद कमर्शियल जब आया तो मैं उसमें ब्लर में एक साइकिल पे बैठा हुआ था. वाह यार. तो मैंने कहा वेरी गुड. उन्होंने मुझे 1000 रुपए दिया था. वाह. क्योंकि मेरी अम्मी ने ले लिया और बोला बुरे वक्तों में काम आएगा, ना बुरा वक्त आए ना काम आए. अच्छा जी, तो कमर्शियल से मामला शुरू हुआ, मॉडलिंग से मामला शुरू हुआ, उसके बाद ट्रांजिशन हो गई टीवी में, टीवी से फिल्म, फिल्म से होस्टिंग, होस्टिंग से, मतलब कोई काम नहीं छोड़ना आपने. नहीं, मुझे ऐसा लगता है फैजान, बिकॉज मुझे यू नो इट्स माय ज़ोडियाक ट्रेड, आई एम अ जेमिनी. तो मेरा एक तो प्रॉब्लम है शॉर्ट अटेंशन स्पैन का. अच्छा. आई टेंड टू लूज इंटरेस्ट, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ. ये सिर्फ काम के हवाले से या वैसे? नहीं, नहीं, हर हवाले से. ओ, बड़ा okay. मसला होता है. हाँ, ये तो काफी मसले वाली बात है. लेकिन कुछ लोग इसमें खुश भी होंगे. किसमें? अच्छा है मुझे. अच्छा जॉन छुट्टी. अरे इसको क्या याद रहेगा, छोड़ो. कर लो जो करते हैं. ये बात भी, लेकिन पता है इससे एक चीज बहुत अच्छी होती है ना, इफ यू लुक एट द पॉजिटिव साइड. मेरी किसी से लड़ाई भी होती है ना बहुत से, याद नहीं रहता. तो वो ऑनेस्टली कोई महीना डेढ़ बाद मैं खुद ही कहीं मिलता तो मैं कहता क्या हाल है, सही हो. मुझे लगता है कि कोई भी बुरी चीज दिमाग में रखना अपने आप को नुकसान पहुंचाना. जिंदगी आगे बढ़ गई तो बढ़ गई, लेकिन मुझे होता है जब बोर हो जाता हूँ ना. अच्छा, अगर एक और प्रॉब्लम ये भी होता है, अल्लाह माफ करे, यू नो बहुत सारे लोग जो हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, यू नो दे हैव टू रन द शो, उनको ये करना ही है. अगर आप जरा से भी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हो और आप थोड़े से भी वेल सेटल हो, तो मेरे ख्याल से मेरी वाली है, आप लिबर्टीज ले सकते हैं कि बोर हो गए, नहीं करना या नहीं आ रहा या नहीं कर, नहीं मूड हो रहा इस टाइप का, तो वो कर भी सकते हैं, यू नो. तो वो तो अल्लाह ताला जिसको करता है. बट यू नो व्हाट आई मीन टू से, उससे एक फायदा मुझे ऐसा लगता है कि दैट यू नो I tend to do different things. मैं रियलिटी, मैं एक रियलिटी शो करता था, इट वॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड, कभी किसी मुल्क में, कभी किसी मुल्क में. वो मुझे एक बड़ा मजा आता था. वो मैं बड़े दिन बाद होस्टिंग के अंदर दोबारा चला गया. एक तो पता है लोग बहुत मिसगाइड करते हैं. आपको लोग कहेंगे होस्टिंग कर रहे हो तो ये नहीं मिलेगा, वो कर रहे हो तो वो नहीं मिलेगा, ये कर रहे हो तो वो नहीं मिलेगा. इट्स ऑल रबिश. इट्स बिल्कुल, ये एक BS है. यू शुड नॉट बाय दिस. कुछ ऐसा कुछ नहीं है. मुझे ऐसा लगता है आपकी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है ना, वो कहीं नहीं जा रहा. बिल्कुल. मैं यू नो अगर आपका किसी चीज पे नाम लिखा हुआ है ना, वो कहीं नहीं जाएगा. दैट्स माय फर्म बिलीफ. अच्छा, हमारे यहाँ मशवरे, आपको पता है कॉमी खेल है, नहीं भी मांगे तो लोग मशवरे दे रहे होते हैं. तो मशवरे इस तरह के मिलते होंगे, ये करना चाहिए. हाँ, मैं तुझे बताऊँ, या फिर ये नहीं करना चाहिए, है ना. तो ये किसी का मशवरा सीरियसली सुनते हैं आप, कहते हैं यार मुझे पता है. यार ऑनेस्टली फैजान, मैं सुन तो सबकी लेता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट. मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट देना इज सो इम्पोर्टेंट, है ना. बिल्कुल बिल्कुल. सुन तो मैं लेता हूँ, लेकिन आई हैव माय प्लान, मुझे पता है व्हाट आई हैव टू डू. ठीक है. तो ये ऐसा हुआ है कभी के इस पूरे टाइम में कभी आपको लगा हो कि यार बस हो गया, ये मेरे लिए बस है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपका अटेंशन स्पैन कम है? एब्सोल्युटली. इट वाज अराउंड 2009 या 2010 की बात है. उस वक्त हमारा पाकिस्तानी जो ड्रामा था ना, वो इतना ज़्यादा सुपरहिट नहीं था. ठीक है. एंड दैट टाइम 8, 9, 10 की बात है, 2000. एट दैट टाइम यू नो स्टार प्लस का बहुत गेम ऑन था. और वो जर्क्स वाले ड्रामे नहीं होते थे, और वो यहाँ पे वो ट्रेंड वॉज प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान ऑल्सो. सो एट दैट पॉइंट मुझे एकदम से होता था, एक तो पता है माई एंटायर फैमिली इज क्वाइट, इट्स नॉट इन फेवर ऑफ द मीडिया एंड ऑल. अच्छा. वो काफी एकेडमिकली साउंड लोग हैं. सही है. तो वो मुझे कहते थे ये क्या तुम तमाशे करो. और फिर पता है मैं बोर भी हो गया था. आई लेफ्ट फॉर, आई वाज इन दुबई फॉर एटलीस्ट 1.5 years. अच्छा. आई जॉइंड रेडियो चैनल, आई वाज वर्किंग एज एन आरजे फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years, 1.5 साल के लिए.
फिर वहां पे फहीम बरनी साहब एक सीरियल कर रहे थे, तो वहां ये कहेंगे तुम यही हो तो Why don't Might as well. हाँ, तुम एक सिर्फ 5-6 दिन का तो काम है और हमारे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे उधर से बुलाने में। ये भी एक बात है, ये भी एक बात है, ऑफ कोर्स। तो यू नो ही सेड कि कोई ये 11 दिन का एक चंक है और वो एज पर योर कन्वीनियंस भी शूट कर लेंगे एंड यू नो दिस इज द मनी और वो तुम्हें कैश वैश हो जाएगा। हुआ क्या कि वो जो 11 दिन का था ना, वो 11 दिन का तो उन अक्सात में था जो इन हैंड थी, जो बाद में आई, जो बाकी उसमें तो सारा काम यहाँ था। ओए होए होए, तो I had to come back। अच्छा, जब मैं वापस आया वहाँ पर आया तो फिर वो उन लोगों से मेरे बहुत बेहतरीन ताल्लुकात रहे काफी सालों से, तो उन्होंने कहा कि why don't you just try this out, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। बस मैं आ गया था, फिर आपको पता है यू नो योर हार्ट इज वेर योर होम इज, यू नो तो वो होता है कि अम्मी अम्मी भी थी और सब लोग थे। मैंने कहा चलो मैं एक 1.5 महीना, तो ये फहीम बरनी साहब को क्रेडिट जाता है वापस आपकी बोर्डम खत्म किया, वापस आओ। इनका जुर्म है कि वो अच्छा जुर्म है नहीं नहीं, आप उसके बाद आप इतना अच्छा काम करते रहे माशाल्लाह। हाँ। फिर आपने एक फिल्म भी की। हाँ। है ना? नहीं नहीं, मैंने I've done 3 films, I didn't नहीं, उसके बाद मैं वापस आने के बाद हाँ। तो आप जब दुबई से आए तो आपको दार्जी वाला पाकिस्तान में तो सी व्यू पे आपने देखा है कौन लोग घूम रहे होते हैं, तो आपको दुबई की याद नहीं है कि नहीं नहीं, मैं आदि तुम्हें बताऊं, मैं सारी जिंदगी मैं भी उसी सी व्यू पर फिर रहा हूं। अच्छा, तो आपने भी बड़ी बड़ी शलवारें पहन के ट्यूब बना के घूमे आप भी उन्हीं में से हैं, मैं समझ रहा हूँ। उन्होंने देखा तो होगा ना, देखा सरप्राइज नहीं होगा। देखा भी यार, आई डोंट माइंड इट, मुझे बुरा नहीं लगता। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस तरह का है ना उसको वैसे एक्सेप्ट करे, उसको एंजॉय करे। बिल्कुल, आपको हम लोग क्यों, अगर देखे अगर हम सबको चेंज करने लग गए तो सब एक जैसे हो जाएंगे, फिर मजा क्या आएगा? पता है ना, बोर हो जाएंगे वो। मैं बोर हो जाऊंगा, आई वॉन्ट, मुझे कसम खुदा की वैरायटी इतनी पसंद है। मैं एक शो कर रहा था तो कल एकदम से ना, मतलब एक मेकअप आर्टिस्ट के साथ आई वाज डूइंग अ शो हियर, तो उसमें ना एक मॉडल आई हुई थी, अब यू नो विद पॉइज एंड ऑल, तो इट लुक्ड कि वो बहुत ही कोई एक ग्लैम, लेकिन जब वो बात कर रही थी वो बिल्कुल ही एक और तरह की वो लड़की, इट फेल्ट सो नाइस कि हम इतनी जल्दी, हमें इतनी जल्दी होती है लोगों को एक क्लासिफाई करके रखने की, ये ऐसा है और वो ऐसा है। बिल्कुल सही, लेट देम बी, लोगों को रहने दें वो जैसे, उनको एंजॉय करें। आपके साथ कैसे हैं? आई थिंक दैट शुड बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ हम आपको कांग्रेचुलेशंस कहेंगे, एक नई जर्नी आपने यहां शुरू की है, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक्स। हां, ये जो आपने दोबारा स्कूल जाने का फैसला किया है, मैं भी यही पूछ रहा था, ये कैसे हुआ है फैसला? माय गुडनेस, आपने अपने आप को मनाया या आपने कहा कि हाँ हाँ बस? नहीं, एज यू नो वेरी ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं I think that I am basically a host, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं जिनका एक जिंदगी की तरफ नजरिया होता है, जो थोड़े से एक अपनी ऑब्जर्वेशन से लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, यू नो थोड़े, और आई थिंक जिनकी जिनका एक ओपिनियन होता है, यू नो हमारे ओपिनियनेटेड लोग कम है, इन्फ्लुएंस्ड लोग मेरे ख्याल से ज्यादा है कि यार वो ये कह रहा है तो मैं उस क्लैन में रहूँ। तो मुझे हमेशा से ऐसा रहा दैट आई थिंक आई एम एन ओपिनियनेटेड पर्सन और मेरा जो नजरिया है मैं चाहता हूँ लोगों तक पहुंचे। तो यू नो जस्ट बाय द वे अंजुम कॉल्ड मी एंड शी आस्क्ड के वुड यू, तो मैंने कहा कि हाँ आई कैन गिव इट अ शॉट, क्योंकि पहले भी इस चैनल का पहला मॉर्निंग शो मैं करता था व्हेन इट लॉन्च्ड, इट वाज कॉल्ड स्क्रैम्बल्ड एग्स, मैं और मेरी दोस्त सिद्रा इकबाल सोफिया अच्छी यूज्ड टू होस्ट फ्रॉम योर, तो उसके बाद मैंने कहा कि हाँ चलो व्हाई नॉट। दूसरी चीज ये कि आजकल रेन और शाइन जो ड्रामे की शूटिंग है यू वुड नो वो 12-1 बजे से पहले तो शुरू होती नहीं है, सही है। तो हम चाहे जितने बजे पहुंच जाए वो 12 या 1 बजे ही होता है, तो मैंने कहा ये बड़ा कन्वीनियंट है। सेकंडली ओवर दीज इयर्स ऑल माय लाइफ आई हैव बीन अ मॉर्निंग पर्सन, मैं कभी 2 बजे नहीं सो के उठता। अच्छा, आई वेक अप अर्ली, हाँ आई हैव अ रिजीम, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, एक्सरसाइज करूँ, कुछ नाश्ता करूँ ना करूँ, मैं सुबह जल्दी उठ जल्दी जाता हूँ हमेशा। तो इसका मतलब जब आप सेट पे भी पहुंचते होंगे तो वो मोस्टली जो एक मुंह बना हुआ होता है, एक जानवर का मुंह हमारे यहाँ एक्टर्स बनाते हैं 10 बजे नहीं कभी भी नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अपना काम देखते हैं कितना सीरियसली देखते हैं? ये एक्टिंग वगैरह एक्टिंग वाली बात कर रहा हूं, आई थिंक काफी ज्यादा अब सीरियस लेने लगा हूं ठीक है। आफ्टर 2010 व्हेन आई केम बैक, उससे पहले तो मैं सीरियस इतना था नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अप्रिसिएशन रियली हेल्प्स यू। किसी भी शख्स को अगर आपने उससे ज्यादा काम लेना है ना, उसको तनकीद करेंगे तो वो डाउन हो जाएगा। आई थिंक ज्यादा किसी से भी काम अप्रिशिएट करें, उसको अप्रिशिएट करें तो वो डबल ट्रिपल मेहनत करने तो लग जाता है। अप्रिशिएट करते रहते हैं बैठ के, क्या सीन किया यार, वाह। आई स्वेयर मैं नहीं देखता अपना सीन, देखता ही नहीं काम कोई नहीं मुझे सर, यार कितनी अजीब सी बात है, मैं एक्टिंग भी करूं फिर मैं उसको देखूं भी नहीं, मतलब मैंने किया तो आई वुड नो कि मैंने क्या नहीं, लेकिन आपने जब एक्ट किया तो वो कोई और कैरेक्टर था, असफर उसको बैठ के देख रहे हैं। फैजान, ऑनेस्टली वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जब भी अपना काम देखता हूँ या अपने आपको देखता हूँ, और ऐसा बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग भी फील करते हैं, मुझे देखते ही एहसास होता है कि मुझे फील्ड छोड़ दे। अच्छा नहीं, ये मैं आपको सच बात बताऊं, हमारा भी यही प्लान है, और उसी तरह से मैं आपको बताऊं, मैंने अपना एक बार काम देखा, ये अपने शो की बात कर रहा हूं, मैंने अपना शो देखा और मैंने कहा यार मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, और आके मैंने यहाँ डिस्कस किया
कि अफशा जी मुझे ऐसा लगता है मुझे काम छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ हमें भी ये लगता है कि तुम्हें काम फिर तब से मैं चुप क्या लगे रहो तब से आदि ने ऐसी बातें करना छोड़ दी हैं। लेकिन ये ऐसे क्यों होता है? देखिए मैं एक बात बताऊँ ऑनेस्टली बिकॉज यू नो आप तो वो काम कर रहे हैं जी जी, मैं आप लोगों का काम अगर देखूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि आप दोनों को ये काम छोड़ना चाहिए, क्योंकि यू नो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप असफर मानी यूज्ड टू बी एन इन थिंग, वो एक बहुत इन प्रोग्राम होता था। ठीक है, आई थिंक यू कुड बी असफर मानी ऑफ दिस जनरेशन। ठीक है, और उसके अंदर ये होता है कि एक आपकी एक जो आपस की अंडरस्टैंडिंग है या जो आपस की एक एज दे कॉल इट केमिस्ट्री है, आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। वो एक दूसरे यू नो यू बाउंस ऑन ईच अदर, वो बड़ा अच्छा है, द यू नो द विट बहुत अच्छा है, कॉमेडी बहुत अच्छी होती है। मैं तो बाउंस कर सकता हूं इन पे, ये मुझ पे जिस दिन करेंगे तो ये मैं नीचे रह जाऊंगा। अच्छा जी, मुझे बताएं कि आपने माशाल्लाह तकरीबन तमाम मीडियम्स कवर कर लिए हैं, तो ज्यादा एंजॉय क्या करते हैं, टीवी को ज्यादा एंजॉय करते हैं या फिल्म के प्रोसेस को ज्यादा एंजॉय करते हैं? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डू नॉट एंजॉय द फिल्म प्रोसेस। अच्छा, विच इज वेरी अनलाइक, क्योंकि तकरीबन तमाम एक्टर्स ये कहते हैं यार फिल्म करने में ज्यादा मजा। मैं ऑनेस्टली इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि देखें आई शुड नॉट से दिस, अगर आपकी वैसे ही लाइफ एक फिल्म स्टार वाली हो तो आपको ये प्रोसेस मैटर करते नहीं है। बट व्हाट आई मीन टू से कि फिल्म प्रोसेस है ना, एक तो यहाँ पे बहुत अच्छी मूवीज लोग बनाते हैं सब कुछ, बट मुझे ऐसा लगता है दैट यू नो वो समवॉट ड्रामे से ही ड्रामे की एक शबाहत हमारी मूवीज में आती है, विच यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट। ठीक है, बिल्कुल है। दूसरी चीज जो होता है फिल्म प्रोसेस के अंदर ना, आई हैड फैंटास्टिक फिल्म एक्सपीरियंसेस, बट आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, और उसमें ना फैजान प्रेशर बहुत होता है, उसमें प्रेशर होता है या इट विल मेक इट और यू नो इट विल ब्रेक यू, के होगा या नहीं होगा। वो प्रेशर जो है ना, वो मुझे लगता है वो मुझे बहुत ज्यादा हावी हो गया था व्हेन माय मूवीज वर रिलीजिंग, कि ओ माय गॉड अगर नहीं हुई तो महविश की तो इतनी फिल्में हिट हैं, ये फ्लॉप होगी तो सारा तुम पे आ जाएगा, बट थैंकफुली डिड वेल इट यू नो। उसके बाद आपको पता है 2019 में फिल्म आई थी, 2020 में आई हैड 4 फिल्म्स इन हैंड एंड आई हैड स्टार्ट वर्किंग, तो मैं वो भी कर रहा था जो आपके साथ कर रहा था, तो वो यू नो आई हैड इन हैंड एंड आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम सारा कुछ। उस वक्त पता हुआ क्या था, कोरोना वायरस एक तो आ चुका था, दूसरी चीज ये थी कि लोग बहुत जल्दी में थे रिलीज के, जल्दी बनाओ और जल्दी करो। आपको पता है ये बहुत गलत एक ट्रेंड है कि जल्दी रिलीज करके दे वांट टू एंजॉय वो प्रीमियर्स और वो प्रोसेस, और उनको वो तो हमने फिल्म साइन कर ली, एक ये है मैं तो 4 में हूं, बट वो आप शिट में तो नहीं काम कर रहे हो, यू नीड टू टेल पीपल व्हाट आर यू डूइंग, यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर प्रोजेक्ट्स आल्सो। बिल्कुल सही। और मूवी एक ऐसी चीज है जो एक बहुत आई थिंक इट्स अ, उसमें आप लोगों से ₹1,000 निकाल रहे हैं, तो आई थिंक इट्स क्वाइट, यू हैव टू बी वेरी, हाँ, और आपको एक बड़ा सिंसियरली वो प्रोजेक्ट पूरा करना चाहिए, उसके अंदर आपका म्यूजिक बहुत जबरदस्त होना चाहिए। लकीली आई हैड 3 गुड फिल्म्स विद 3 फैंटास्टिक डायरेक्टर्स, वो अभी तक शुरू नहीं हुई है, मे बी आई माइट गो बैक टू देम, लेकिन आई फेल्ट कि जो ड्रामा है ना उसका कोई मुकाबला नहीं है पूरे साउथ एशिया में जो हम लोग ड्रामा बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो हमें फेस करनी पड़ती है वो ये कि अगर आप एक चीज अच्छी कर लें तो फिर आपको वैसा ही काम मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही है। मैंने आपको देखा, आपकी कॉमिक टाइमिंग बहुत मजेदार है, जो कि हमारे यहाँ एक किल्लत है इस चीज की। तो आपने जब कॉमिक चीजें करना शुरू की तो उसके बाद एक भरमार आई होगी कि सब हर चीज में असफर से कराना है, तो उसको आपने कैसे? वो मैं पता है सिर्फ कॉमेडी टेलीफिल्म कर रहा था फैजान, क्योंकि अगर मैं सिटकॉम ज्यादा करने लगता ना तो फिर तो डायरेक्टर्स पे सीरियस नहीं लेते। बिल्कुल सही। लेकिन क्यों है ये? हमारी यहाँ की प्रॉब्लम है, कह रही तो कॉमेडियन है इसको क्यों? इनफैक्ट ये तो एक टैलेंट होना चाहिए कि भाई एक बंदा सीरियस भी उतना अच्छा करता है जितनी अच्छा कॉमिक करता है। लेकिन नहीं, ये यहाँ प्रॉब्लम है। अगर आप सीरियस करते हैं और ग्लेयर व्लेयर ले आते हैं और सेट पे थोड़े भरम करा देते हैं, यू आर समथिंग रियली बिग, यहाँ पे ये है इशू। तो फिर आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मैंने इतने अरसे कॉमिक करना है और इतने अरसे सीरियस करना है? नहीं नहीं, मैं ऑनेस्टली बताऊं, इफ आई हैव टू मेक अ चॉइस ना, तो मैं टेलीफिल्म जो है ना वो आई ट्राई टू डू कॉमेडी टेलीफिल्म। ठीक है, कि वो वन प्लेस होते हैं और वो ज्यादातर वन ऑफ होते हैं। हाँ, ठीक है। वो मैं ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ ही कर रहा होता, जो डायरेक्टर फ्रेंड्स होते हैं ना, तो मुझे मजा भी आ रहा होता है कि ये अच्छा मजा आएगा। ठीक है, कॉमेडी सी, अभी मैं एक सिटकॉम आई माइट स्टार्ट प्रीटी सून फॉर अनदर कंपनी, अनदर चैनल। देखें क्या होता है, आई एम डूइंग इट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, डॉक्टर यूनुस भट्ट का स्क्रिप्ट है, एंड आई हैव सरम जंग विद मी इन इट। तो लेट्स सी, आखिर कब तक के बाद सीधा कॉमिक की? ना ना ना, आखिर कब तक के बाद एक और सीरियल है, इट्स कॉल्ड अल्लाह जानता है। ठीक है, इट्स विद हिना अल्ताफ, इट्स कमिंग ऑन दैट सेम चैनल। फिर उसके बाद देयर इज अनदर सीरियल फॉर एयरवाइज, इट्स कॉल्ड रुखसती, दैट्स कमिंग आउट। फिर एक और देयर इज अनदर सीरियल कॉल्ड जख्म। ओए होए होए, सारे जख्म और रुखसती और अल्लाह जानता है, एकदम से आप आई हैव सोल्ड माय सेल्फ टू द डेविल।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि अपने जो साथ काम करते हैं कुलीग्स, उनके साथ कैसा मामला रहता है? आप कैसे डिसाइड करते हैं कि यार इनसे मेरी दोस्ती हो जाएगी अगर पहली दफा मिल रहे हो? अच्छा देखो, एक कुछ कहते हैं ना, कुछ ब्लेसिंग इन डिसगाइज होती है। ठीक है। बहुत सारे लोग शर्मिंदा हुए देख रहे थे जिनको लग रहा था कि आप उनके दोस्त हैं। लोग कह रहे अच्छा ये बात थी। मैं पिछले तकरीबन एक साल से सेट पे जाता हूँ और जाके कहता हूँ कि सुने मुझे लग रहा है मुझे कुछ शायद सिम्टम्स हो रहे हैं, मैं दूसरा कमरा दे रही है बाहर जाता हूँ। बिल्कुल ही वाह वाह ठीक है। लेकिन ये चीजें रिफ्लेक्ट नहीं करती स्क्रीन पे? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? आप तो अच्छे एक्टर हैं, आप तो कर लेते हैं, सामने वाला ना हो तो फिर क्या? नहीं, मतलब आप एक सिविल माहौल तो रखते हैं, आप सबसे अच्छी तरह बात करते हैं और वो सब है, लेकिन आई प्रेफर सिटिंग अलोन। ठीक है, मजा आता है अपनी कंपनी में। एक तो देयर सो मच ऑन माय हेड, आई हैव टू प्लान अनदर एपिसोड। बिल्कुल। और फिर आई हैव टू लुक इनटू सोशल मीडिया की टीम है पूरी, उनसे एक बकबक करनी पड़ती है रोज आना कि ये मत डाले वो मत डाले। देन यू नो एवरी प्रोजेक्ट एवरी अपीयरेंस इज डिजाइनर्स, यू नो पेड डिजाइनर्स का काम होता है, उनकी पोस्ट गई नहीं, तो यू नो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क अराउंड माय हेड। अब उसके अंदर फिर दूसरी चीज़ होती है, मैंने इतने साल ये सब करके देखा हुआ है तो मुझे अब आई हैव डिसाइडेड कि नहीं यार ये चीज़ें ऐसे करनी है और अब ये चीज़ें ऐसे। तो ये जो सोशल मीडिया है इसको कितना सीरियस लेते हैं आप? यार वो टीम बड़ा सीरियस लेती है। आप नहीं लेते? आपको शौक नहीं है? आप नहीं, 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 ओ, ये क्या लगा दिया इन लोगों ने? नहीं, 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 ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं, वो सोशल मीडिया का होता है कि इमेज में ये ना जाए, इमेज में वो ना जाए, इसका ये ना उसका वो ना, और यहाँ से इस पोस्ट के इतने पैसे आ रहे हैं, यू वुड नो इस पोस्ट के इतने आ रहे हैं, उस पोस्ट के इतने आ रहे हैं, तो यू नो एक वो चीज होती है। तो आप वो करते हैं हर तीन चार दिन बाद, हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, तीन दिन से बहुत बिजी था असल में, मिस कर रहा था। आई हैव नेवर डन दिस। ये नहीं करते? नो नो नो। ये इसको क्या कहते हैं जो आप लोगों ने आपस में बात कर रही है, क्या ये क्या होता है? अपडेट्स। वो जो एक होता है अस्सलाम वालेकुम गाइस, मिस कर रहा था आप लोग को। अच्छा ये कहां होता है भाई? अच्छा नहीं, मेरे ये कभी ये भी नहीं करते आप? ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये कहां हो रहा है? नहीं नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं, हर तीन दिन में आते हैं और कहते हैं पूरा इनबॉक्स भरा हुआ था, आप आ नहीं रहे, मैं आ गया हूँ, और नीचे कब हमने तो नहीं मैसेज किया, हमने तो कभी किया ही नहीं। हर वीडियो के ऊपर हमारे मोस्टली एक्टर्स ये कहते हैं कि बड़ी रिक्वेस्ट आई थी, बताएं कि जूते कहां से लिए। सुनो सुनो, ये आप लोगों के शो की लास्ट एपिसोड है ये? नहीं नहीं, हमारी पहली से ऐसे चल रहा है। अच्छा, हम यही करते हैं, हम पहली से कोशिश कर रहे हैं कि वो आखिरी हो, बंद नहीं हो रहा शो। नहीं नहीं, ये बंद नहीं होगा, नहीं होगा, इट्स ए गुड वाइब। अरे थैंक यू। अच्छा ये बताएं, कमेंट्स पढ़ते हैं लोग आजकल बड़े जजमेंटल है, कपड़े जैसे पहने हो, कुछ कर रहे हो तस्वीर में, वो भी मसला होता है लोगों को, कैसे हैंडल करते हो? नॉट एट ऑल, लेट पीपल, पढ़ते ही नहीं आप? नहीं नहीं नहीं, पढ़ता भी हूँ कभी कभी, बट उनकी उनका उनका ऑब्जर्वेशन है, बोलने दे। मुझे सिर्फ एक चीज होती है, आप गाली गलौज से मत आएं कि तुम इसके बच्चे हो या इसकी औलाद हो या ये हो या वो हो, ये सब मत, गाली गलौज ना करें। उसके बाद आपकी ओपिनियन है, आप भाई बहुत सारे लोग हैं जिनको फ्रेंच क्यूजीन नहीं पसंद, सही है, बहुत सारे लोग हैं जिनको दुनिया का बेस्ट कोई भी बेस्ट चीज होगी नहीं, नहीं, नहीं पसंद होगा, ठीक है। नो, कुछ लोगों को किसी अच्छे मुल्क जाना नहीं पसंद, बिल्कुल यार मुझे नहीं, कुछ लोगों को हमारे नॉर्दर्न एरियाज कितने खूबसूरत है नहीं पसंद, कुछ लोगों को नहीं पसंद, कुछ लोगों को क्रिकेट नहीं पसंद, इट डजंट मेक देम अ बैड पर्सन, उनका पर्सनल चॉइस है, दे डोंट लाइक यू डोंट लाइक, इट्स फाइन। लेकिन मुझे सिर्फ होता है गाली गलौज से परहेज करें, ओपिनियन सर आपको, बहुत सारे लोग आपके बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को नहीं पसंद करते, बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं कि वो आपको कहेंगे बहुत बर्गर हो या तुम तो इसी लड़की में के हर वक्त साथ हो या उसके साथ हो और उसकी पर्ची है या इसकी, वो यू नो व्हाटएवर दे से, हर तरह की, इट्स एब्सोल्युटली देयर ओपिनियन और वो सर आंखों पे मोस्ट वेलकम, बस गाली गलौच ना हो। लेकिन असल में भाई ऐसा डिजिटल मीडिया पे क्यों है कि जो वो जो कमेंट वाली ऑडियंस है उनके हिसाब से कोई भी बंदे को काम नहीं आता, कोई बंदा सही काम, मैंने आज तक कोई भी वीडियो या क्लिप ऐसा नहीं देखा जिसके नीचे सब अच्छा लिखा हो, कोई ना कोई बीच में आता है भाई ये क्या बेचता है ये? मैं मेरी बात सुनो, तुम्हें ये जो थॉट है ना ये भी नहीं आनी चाहिए। अच्छा ये इससे भी? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, आपकी इतनी जबरदस्त लाइफ है, आप सुबह से रात 12 बजे तक बिजी हैं, आपके डिजाइनर्स फ्री हैं, आपके सैलॉन्स फ्री हैं, आपके रेस्टोरेंट सारे तकरीबन फ्री है, आपकी इतनी जबरदस्त लाइफ है, आप वो छोड़ के ये पढ़ेंगे एक अनजान आदमी ने आपके बारे में ये क्यों? बाबा की प्रिंसेस लिख रही है, इतना क्यूट लगा, इट्स अ ट्रैप, आप उस ट्रैप में अगर फंस गए तो आप गए, आप क्यों उस ट्रैप में फंस रहे हैं? मुझे अभी इतना क्यूट लगा, हमने एक जीतो पाकिस्तान की प्रमोशनल वीडियो लगाई तो उसमें उन्होंने शॉट लिया कि मैं गाड़ी में आया, फाद भाई गाड़ी लाहौर में थे, तो किसी बंदे ने लिखा दोनों ने सिविक ले लिया तो शो ऑफ कर रहे हैं, मैंने कहा भाई रेंट की है, मैंने कहा भाई रेंट भर रहे हैं इसका, ये हमारे, तो मुझे अच्छा लगता है। नहीं मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, इन्होंने बड़ा सिंपलीफाई कर दिया इस बात को कि आपकी अपनी अच्छी थी जिंदगी, उसको एंजॉय करें, ये पढ़ के क्यों टाइम जाएगा? एग्जैक्टली, और कोई और देखें उस चीज को आप पढ़ रहे जिनको आप जानते भी नहीं है,
अब क्या पता कोई आपका एक दोस्त हो जो आपसे इतना ज्यादा जिसका ओपिनियन मैटर करता हो, जिसका नहीं नहीं कोई दोस्त हो जो जो आपसे जेलस हो, प्रॉब्ली यू नो वो फेक आईडी से लिख रहा हो, स्पार्किंग गर्ल, हाँ यानी स्पार्किंग गर्ल तुम्हारी दोस्त है, मैं स्पार्किंग गर्ल और आदि का कोई ऐसा ना, वो मैं ही खुद ही बनाया वो ना, तो मेरे ख्याल से आदि दिस थिंग शुड नॉट बी टेकन सीरियसली। मैं जितने भी लोग मिलते हैं ना, मैं ऑनेस्टली सेट पे देखता हूँ, जो काफी ज्यादा हमारी टीम में मेट्स होते हैं उनका एज ग्रुप को अभी हटा दें, सबको मैं इन यूनानिमसली कंसिडर करके कह रहा हूँ, वो सब यूँ कर रहे होते हैं थ्रू आउट द डे। मैं तो सिर्फ यूँ कर रहा होता हूँ यू नो टू ऑर्डर फूड कि आज ये मंगाता हूँ या आज अच्छा, कुछ लोग यूँ कर रहे होते हैं, हाँ कुछ लोग यूँ कर रहे होते हैं पता नहीं क्या है, अलग अलग मोबाइल है मेरे ख्याल से सबके पास मोबाइल ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं भाई, ऐसे वाला यार क्या हो गया, लैंडस्केप में इस्तेमाल करते हैं कुछ मोबाइल के सही तरह स्वाइप करें, हाँ सही तरह इस्तेमाल करें मोबाइल का, वक्त जी ब्रेक पर जाने का, ब्रेक पर जाए, ब्रेक से वापस आए, हमारे साथ मौजूद है असफर रहमान, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद हैं आज जी अजील अमजद, उनके साथ मौजूद हैं असफर रहमान, अब हम आपके साथ खेलेंगे दिस और दैट, मजेदार 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 मजेदार। आपसे एक सवाल होगा, उसके दो ऑप्शंस हैं, आपने उनमें से एक ऑप्शन चुनना है, अपना ऑप्शन आप नहीं दे सकते, और जब हम आपसे कहेंगे तो आपने अपने ऑप्शन को जस्टिफाई करना है कि मैंने क्यों चुना है। अच्छा वो आप कहेंगे तो जस्टिफाई करना, जब हम कहेंगे ओके, वरना नहीं करना, वरना चले बस ठीक है जी। पहला सवाल, एक्टिंग या फिर होस्टिंग? एक्टिंग। एक्टिंग या फिर मॉडलिंग? मॉडलिंग। पॉजिटिव कैरेक्टर्स या फिर नेगेटिव कैरेक्टर्स? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्यों? परफॉर्मेंस मार्जिन ज्यादा होता है, ठीक है, और मुझे लगता है कि नेगेटिव मैं ज्यादा आसानी से कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ, वैसे आपने ये प्रूफ किया है, वेरी वेरी गुड, ठीक है जी। फिल्म या फिर टीवी? टेलीविजन। कॉमेडी कैरेक्टर्स या फिर सीरियस कैरेक्टर्स? कॉमेडी। वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े? वेस्टर्न। वेस्टर्न कपड़े, ठीक है। बिसात या फिर आखिर कब तक? आखिर कब तक। क्यों आखिर कब तक क्यों, और बिसात क्यों नहीं? बिसात बेसिकली दोनों सोशल इश्यूज को डील करता है, बट आखिर कब तक एक मेरे ख्याल से ज्यादा प्रेवलेंट इशू है, जो कि ज्यादा आई थिंक वल्नरेबल लड़कियां, आखिर कब तक का जो प्रॉब्लम है उसका बेसिक प्रॉब्लम था कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों से एक डिस्टेंस इतना रखते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स में कन्फाइड नहीं कर पाते, उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही होती है वो बच्चों बच्चे बता ही नहीं पाते। एग्जैक्टली, यू आर अ यंग पेरेंट, आप अपने बच्चों के साथ इस तरह का शुरू दिन से एक ऐसा ताल्लुक रखें कि आपसे वो किसी भी किस्म की बात कम्युनिकेट कर सकें, उनके दोस्त या उनके स्कूल के असातिज़ा उनके पहले टीचर्स नहीं होते, आप होते हैं। वाह, तो आई थिंक वो रिलेशनशिप आपको पहले बिल्ड करना चाहिए इसे आखिर। बिल्कुल ठीक है। छलावा या फिर इनाया? छलावा। छलावा ठीक है। फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स? फ्रूट्स। इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट। फैशन शूट या फिर रैंप वॉक? कैट वॉक। रैंप वॉक नहीं, नहीं कैट भी चलेगा, ठीक है। विंटर्स या फिर समर्स? विंटर्स। देसी खाना या अंग्रेजी खाना? देसी ऑल द वे, ठीक है। पसंदीदा खाना कोई? निहारी। निहारी मगज और नल्ली के साथ या शादी? नहीं नल्ली नहीं, मगज, सिर्फ मगज, मगज निहारी, मगज के साथ, ठीक है जी। सैयद अली रजा उसामा या फिर वजाहत रऊफ? वजाहत। क्यों वजाहत भाई क्यों, और उसामा भाई क्यों नहीं? उसामा देखिए ज्यादा सीरियस प्लेस करते हैं, और वजाहत और हर सीन को 6-8 जगह से शूट करते हैं। क्या चीज? हर सीन को 6-8 जगह से शूट करते हैं उसामा ये आप कह रहे हैं नहीं भाई बिल्कुल कह रहा हूं, बट यू नो इन कंपैरिजन वजाहत के साथ आई थिंक वेरी अंडरस्टैंडिंग और एक कंफर्ट लेवल बेइंतहा है, ठीक है। वजाहत है नहीं दे, तो उसामा भाई के साथ नहीं बन सका आपका कंफर्ट लेवल? नहीं उसामा के साथ है, इन कंपैरिजन में कह रहा हूं। अच्छा ये बताइए कि पार्टी या डिनर? पार्टीज। ये बताइए दोस्तों के साथ बाहर घूमना या घर पे बैठ के चिल करना? नहीं नहीं दोस्तों के साथ बाहर घूमना। अच्छा घूमना बस? हाँ हर वक्त घूमना, हाँ मतलब कि जब भी मौका मिले, जब मौका मिले, हाँ जब भी मौका मिले, ठीक है। ये बताइए कि सस्ती जगह पे जाके नखरे करना या उसका हिस्सा बन जाना? नहीं उसका हिस्सा बन जाना, हिस्सा बन जाना। आप ये नहीं करते यार एक्चुअली? नहीं 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 मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसका हिस्सा बनेंगे तो यू विल एंजॉय मोर, ठीक है, आपको ज्यादा मजा आएगा, लोग आपसे ज्यादा खुल के अपनी रियलिटी डिस्कस करेंगे, और एक मजा नखरा कर देंगे तो आपकी वही लाइफ है, नखरा करेंगे यू आर कट ऑफ, ठीक है, फिर आप इधर ही रहेंगे। आई थिंक वो मिक्सअप होने में मेरे ख्याल से आप ज्यादा चीजें नए दोस्त बना सकते हैं, एक नई जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बताएं हॉक्स बे या फ्रेंच बीच? फ्रेंच बीच। यार मुझे पता था मजा मोहिन या फिर फहीम बर्नी? गुगली आगे ला लिया मुझे बताइए बताइए। अच्छा ये पहला सवाल होगा, इसका जवाब मैं नहीं देना चाहता। नहीं जवाब तो देना पड़ेगा ना रे ना ना 50-50 एक ही जवाब कोई भी वजह हो, किसी भी वजह से, हम ये तो नहीं कॉन्टेक्स्ट पूछ ही नहीं रहे, हाँ कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया ऐसे कोई तो बात कोई तो बात किसी में बेहतर होगी या तो मजहर भाई थोड़े से बेहतर होंगे या फहीम भाई थोड़े से बेहतर होंगे। देखें मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं
फहीम भाई ज्यादा बेहतर है, मजहर भाई ज्यादा बेहतर है, हाउ कैन यू कंपेयर चाय एंड कॉफी? अब चाय और कॉफी को कैसे मुवजना कर सकते हैं? अगला सवाल था चाय या कॉफी? हाँ कॉफी कॉफी ठीक है, तो फिर इनमें से कॉफी कौन और चाय कौन? मैं नहीं, ये मैं माजरत चाहता हूँ मेरे, ये तो गलत बात है, जवाब तो देना चाहिए। हाँ बताए ना कोई एक, तो क्या खुदा अब आगे नहीं बढ़ रहे? नहीं नाम तो इसमें कोई उनका काम या शख्सियत से नहीं जिसका नाम दिमाग में आ रहा है। अच्छी बात है कि रिकॉर्डेड है तो कोई टेंशन नहीं है, किसी ने आखिरी मैसेज किया उसका नाम दिमाग में हो। बताएं बताएं। देखिए इस वक्त तो मेरे दिमाग में अगर देखें इट ऑल डिपेंड्स ऑन माय डेट्स, ठीक है आज जो आपकी डेट है उसके हिसाब से कौन जीत रहा है। देखिए मैं टॉस करूंगा यार, देखें इस बात को ना भूले कि फहीम भाई ने आपको दुबई में काम दिया था। नहीं नहीं फहीम भाई इज फैमिली एंड सो इज मजर भाई एंड आई हैव अटर अटमोस्ट रिस्पेक्ट। ये तो आपने कर दिया डिप्लोमेसी, ठीक है ना अब बता दें ये आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी हमें, अब आप नाम बता दें। अच्छा देखें अगर मैं लव स्टोरी कर रहा हूँ तो आई डू इट विद फहीम भाई, ठीक है, और अगर मैं कोई सीरियस ड्रामा या कॉमेडी कर रहा हूँ, सीरियस एंड कॉमेडी, तो आई डू इट विद मजर भाई। मजर भाई हो गया मतलब ज्यादा अच्छी इनमें से क्या हो रहा है? मजर भाई ज्यादा अच्छा इनमें से क्या हो रहा है? तुम किस बात का बदला ले रहे हो? नहीं नहीं किसी बात का बदला नहीं भाई। अच्छा चले ठीक है ये बताइए गोला गंडा डंडी पे या गोला गंडा चम्मच से? नहीं नहीं डंडी पे, डंडी पे। ये बताइए आइसक्रीम या कोन? आइसक्रीम या कोन? कुल्फी। ये तो हमने 2 साल हो गए आइसक्रीम या कोन ना। हाँ नहीं नहीं मैं ये दोनों चीजें नहीं खाता। कुल्फी? हाँ कुल्फी जो होती है जबरदस्त। वेरी नाइस यार ये अच्छा है कुल्फी। हाँ कुल्फी फालूदा टाइप मैं भाई बताया ना फूड में ऑल द वे देसी हूँ मैं, ठीक है। और गोलगप्पा खाते हैं? गोलगप्पे खाते हैं? नहीं गोलगप्पे नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि वो मुंह खोलना पड़ता है बहुत बड़ा। नहीं 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 वो थोड़ा खट्टा होता है, वो मेरा गला उससे खराब। ओके ठीक है जी। मैं भी शायद या फिर आयशा उमर अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि अगर मुझे कॉमेडी करनी होगी तो मैं आयशा के साथ करूंगा, सीरियस काम करना होगा तो मैं महवेश के साथ करूंगा। एक लाइफलाइन थी जो आपने ले ली, हमने आपको जाने दिया किसी भी वजह। अच्छा सिर्फ एक ही आएगा जिसका नाम है इमरान खान, जब वो आएगा ना तो फिर पता लगेगा। अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है तुम अच्छा देखो एक वो जो होती है ना एक लाइफ लाइन या एक वो ले लिया एक वो ठीक है अब एक सवाल का जवाब तुम दोगे तो मैं इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। परवीन अकबर या माहम? परवीन अकबर एनी डे। कैसा आवाज जबरदस्त, तो बस ये हो गया सवाल। बात यह कि दोनों खवातीन जानती है मैं एक शो कर रहा हूँ तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब आप बताएं ना, देखिए ये खवातीन भी जानती है कि शो हो रहा है। मैं वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग महवेश और आयशा ये मुझे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं हर जगह पे, आई कैन नेवर मेक दिस चॉइस, आई थिंक मेरी लाइफ विल बी कम्प्लीटली शटर्ड और अनबैलेंस्ड अगर ये दोनों ना हो। ये दोनों मेरी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट एंकर्स हैं, मेरे दोस्त हैं। और बस अब इसके बाद वोट मांगना रह गया आपने, जितनी सीरियस चीज दी है ना। चले मैंने आपको दूसरी लाइफलाइन भी दे दी, दूसरी लाइफलाइन भी दे दी, कोई बात नहीं। अब ये बताएं आकिफ इलियास या फहद हुसैन? भाई जान दो, आप इसके बाद लाइफलाइन नहीं है, दो हो चुकी यार, ये तो बड़ा मुश्किल है। 3 मुश्किल सवाल एक साथ रखे, ये तुमने मेरे पूरे दोस्तों को डिवाइड करके ना, तुम चाह रहे हो मैं किसी एक से कट जाऊं? हां मतलब कि निकाला मैंने निकाली मैंने एक ही से, लेकिन आई थिंक इन कंपैरिजन आके भाई ठीक है जी, ठीक है। अवार्ड्स या फिर नो अवार्ड्स? व्हाटएवर दैट्स पेइंग यू। ये अच्छी अप्रोच है। जो भी पैसे क्या, मैं क्या एक वो ट्रॉफी वो डंडा लेके घर में कहाँ रखूंगा? हाँ, ये भी क्या फायदा? और ये 4 लोग अगले हफ्ते भूल जाते हैं और वो देने के बाद भी आपसे कहेंगे अरे भाई इस बार बजट बहुत कम है, तो फायदा? वो तो खैर हमेशा ही कहते हैं। व्हाट व्हाट एन अवार्ड, व्हाट गुड डज एन अवार्ड डू टू योर करियर? कुछ नहीं, बल्कि आपके कमरे में जगह बनानी पड़ती है। और वो नहीं, और मैं आपको बता रहा हूँ ये अवार्ड सिस्टम का तो मैं इतना इंटेग्रल पार्ट रहा, अगर आप आएंगे तो आपको अवार्ड दे देंगे, अगर आप नाचेंगे तो आपको अवार्ड दे देंगे, अगर आप ये करेंगे तो आपको अवार्ड दे देंगे, क्या बकवास है? वेरी गुड, आप समझ रहे हैं। तो अवार्ड वगैरह को तो मैं बिल्कुल सीरियसली इतना नहीं लेता हूँ। मैं एक बार नाचा था, उन्होंने मुझे 1500 दे दिया, अवार्ड तो नहीं दिया, मैं आज गलत जगह नाचा। ओ भाई वो भी ज्यादा दे दिए। अच्छा सुनो तुम दूसरे दिन भी जाना था, तुम गए नहीं। देखो तुम रियलाइज करो ये बड़ी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी तुम्हारी हो सकती है, अगर पॉजिटिव होना चाहिए तो पॉजिटिव नाच पे फोकस करो और इस नाच को तुम आगे लेकर जाओ तो कहां से कहां पहुंच सकते हो। दिन के 1500 को मल्टीप्लाई करो तुम। अगर मैं नाच पे फोकस करूं पूरा जमजमा मुझे जान दो। अच्छा जी साइकिल या फिर बाइक? बाइक बाइक। बस या फिर रिक्शा? बस। गाड़ी चलाना या पीछे बैठना? गाड़ी चलाना। गाड़ी चलाना ठीक है। रिकॉर्डेड शोज या लाइव शोज? लाइव। मॉर्निंग शो या इवनिंग शो? मॉर्निंग। बाय रोड बाय एयर? बाय रोड बाय रोड। उष्णा शाह या फिर सिराजगर? उष्णा 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 क्यों और सिरा क्यों नहीं?
उष्णा से ज्यादा दोस्त नहीं, ये अब आप किस कैपेसिटी में मुझसे सवाल है? वो आपकी मर्जी, जिस कैपेसिटी में आप जवाब दे। उष्णा मेरी बड़ी जिगरी दोस्त है। ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं। बिरयानी या पुलाव? पुलाव। चिकन या बीफ? मटन। ठीक है जी। ननियाल या फिर ददियाल? ननियाल। पाकिस्तान या अब्रॉड? आपने क्या ननियाल ननियाल या ददियाल? आप जवाब दे चुके हैं। ननियाल, वो जा चुका है जवाब। मेरे ददियाल से का ताल्लुक है, ताल्लुकात आपको आइडिया तो होगा। अच्छा, ये मेरा और इनका आपस में हम एक शो कर रहे हैं, वो हमने खुद ही हैंडल कर लिया। ठीक है जी। पाकिस्तान या अब्रॉड? पाकिस्तान या अब्रॉड? पाकिस्तान वर्किंग टाइम पे, अब्रॉड फॉर वेकेशन। ठीक है। लेट या फिर पंक्चुअल? इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, बट मोस्टली करंटली इट्स पंक्चुअल। ठीक है। अच्छा, बाहर पाकिस्तान से जब आप बाहर जाते हैं छुट्टियों पे, तो जब कोई चीज खरीदते हैं तो खरीद लेते हैं या कैलकुलेटर पे उसको मल्टीप्लाई? बाय कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई। अच्छा, वो वाले हैं हर दफा। हाँ, क्योंकि मैं आपको पता है, मैं क्लास सिक्स से लेकर अपने ए लेवल्स तक, ए लेवल्स में तो खैर मैंने मैथ्स ली नहीं थी, लेकिन ओ लेवल्स में भी मैथ में आई कम्प्लीटली फेल्ड। आई हैड टू गिव इट अगेन टू गेट अ पासिंग ग्रेड। और मुझे मैथ के अंदर मैं बिल्कुल ही जीरो हूँ, तो अगर कभी लिखा हुआ होता ना कि इतने डॉलर्स या इतने पाउंड्स या यूरोस इतने, तो वो हमेशा आई वुड कैलकुलेट इमीडिएटली। मेरा फोन पे कैलकुलेटर होता है, तो उसमें कर रहा होता है, तो कोई दोस्त कहता है पागल रेट ऊपर नीचे हो गया अब ये कर वो कर। वो वाला होता है कि नंबर नाचने लगते हैं, वो वाला मसला है या बस कि समझ ही नहीं आता क्या? नहीं, मुझे मैथ फैजान समझ में ही नहीं आता। क्रिएटिव लोगों की निशानी होती है आपको पता है? हाँ, मुझे बिल्कुल भी, वो जो होता है ना, मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आता। नहीं आता रहा मैं, आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, काफी सारे एक्टर्स हैं या जो राइटर्स होते हैं उनके भी मैथ नहीं आता। मैथ बिल्कुल फारिग होती है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। हारून शाहिद या फिर अदील हुसैन? हारून शाहिद या अदील हुसैन? आई थिंक अदील। अदील। फिल्म सिनेमा में जाके देखना या घर पे बैठ के आराम? ना ना, सिनेमा। सिनेमा में कैट्स या फिर डॉग्स? डॉग्स, एनी डे डॉग्स। ओके भाई, ठीक है। आई एम अ ह्यूज डॉग लवर, आई लव डॉग्स। तुम कहीं भूखे नहीं मरोगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक्शन फिल्म्स या हॉरर फिल्म्स? हॉरर। हॉरर। वोट या फिर नो वोट? व्हाट्स द पॉइंट? नहीं नहीं, मतलब देते हैं वोट? आई थिंक यू शुड वोट। आपने किसको दिया था? मैंने, आप देख ही सकते हैं जिसको दिया था। महंगे पेट्रोल को। किसको? महंगे पेट्रोल को। मैंने, आज मैंने तब्दीली को वोट दिया था। तब्दीली को वोट दिया, आ गई ना। अब उन्होंने बताया नहीं था कि तब्दीली किस तरफ आएगी, मजबूत होगी या मनफी। बहुत सारे लोगों की तब्दीली उतर गई है। अच्छा जी, नादिया खान या फिर निदा यासिर? नादिया खान या फिर निदा यासिर? निदा यासिर। ठीक है। सोशल मीडिया या नो सोशल मीडिया? सोशल, आई थिंक सोशल मीडिया। खाना पकाना या खाना खाना? खाना खाना, पकाना तो कतई ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई कांट, नहीं। नाश्ता? नाश्ता बना कुछ, अंडा ठंडा कुछ? हाँ, ऑमलेट आई कैन कुक, आई थिंक आई मेक रियली गुड ऑमलेट। क्या कैसे बनाते हैं, क्या होता है उसमें, क्या डालते हैं? कहानी मतलब बता दो ना। तो मेरा रिकॉर्ड लगा। नहीं, नहीं। हम ऐसे जानना चाह रहे हैं कि आप कौन सा वाला ऑमलेट बनाते हैं। अच्छा, देखो अपने अपने ऑमलेट की मैं रेसिपी बताऊं। अपने की नहीं, मतलब मुर्गी का ही हो। लेकिन नहीं, मुर्गी का क्यों होगा ऑमलेट? और मैं उसमें से दो की जर्दी निकाल देता हूँ, एक जर्दी रखता हूँ। अच्छा अच्छा, उसको मैं ना कांटे से बीट नहीं करता, मैं उसको जो बीटर होता है ना उसे बीट करता हूँ, तो ज्यादा उसका झाग बन जाती है। हाँ, फिर उसे दूध डालता हूँ, उसमें फ्रेश क्रीम डालता हूँ, थोड़ी सी उसमें मलाई ऐड करता हूँ, उसको फिर बीट करता हूँ, ठीक है, वो और फ्लफी हो जाता है। उसको उसके अंदर फिर मैं ऐड करता हूँ, अगर रात में आपके यहाँ कीमा पका हुआ हो, हाँ, तो कीमे को मैं भूनता हूँ और फिर वो थोड़ा सा मैं कीमा ऐड करता हूँ। सही है, प्रो चल रहे हैं, प्रो। आप कह रहे हैं, हाँ, उसके बाद सुनते, अब सुनो पूरी बात, उसके बाद शाम तक चलेगा। उसके उसके बाद थोड़ा सा अगर शिमला मिर्च है तो शिमला मिर्च ऐड किया, हरी मिर्च थोड़ी ऐड की, ठीक है, मेथी थोड़ी सी ऐड की, कलौंजी ऐड की, माशाल्लाह। और उसके बाद अगर आप थोड़ी, इसको आप ऑमलेट कहते हैं? नहीं, सुन तो, उसके अगर आप थोड़े से अपने आपको बर्गर समझते हैं, हाँ, तो आप उसमें ओरेगानो या अरागोन इस तरह की चीज, रोजमेरी बड्स जो भी है वो किया, वो करके आपने फ्राई पैन पे थोड़ा सा बटर डाला, ठीक है, जो भी बटर आपको पसंद हो, कुछ लोग सॉल्टेड कुछ लोग अनसॉल्टेड का, वो डाला उसको आपने रब किया और बटर थोड़ा छोड़ दे, उसके ऊपर ये पेस्ट डाल दें, सही है? और उसके बाद हल्की आंच पे ढक के रख दें फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, वो एक इतनी मोटी सी लेयर बन जाती है, रोटी टाइप का बन जाता है वो, इतना इट्स क्वाइट फिलिंग, और आपको तकरीबन 5-6 बजे पे भूख नहीं लगती। मेरे ख्याल से यही वजह, बिल्कुल सही कर रहे हैं। हां, सही कर रहा हूं यार, ये तो बहुत, मतलब
तफसीली ना, बहुत मुझे अच्छा लगा। दो चार चीजें और आप ऐड कर लेते तो सालन कंप्लीट था है ना। लेकिन वो सालन एक सख्त सालन। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। ये बताएं फ्रेंड्स या फिर कुलीग्स? फ्रेंड्स। आपको लगता है जो कुलीग्स होते हैं फ्रेंड्स बन सकते हैं? मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा एक पॉसिबिलिटी इसमें है, क्योंकि मुझे लगता है लाइक माइंडेड लोग आपको कहीं भी मिल सकते हैं। और फैजान, अगर आपको कहीं पे भी एक अपॉर्चुनिटी लगे कि यार इससे मेरी दोस्ती हो सकती है, तो वो कदम उठाते हुए आपको शर्माना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपको यू शुड, इट्स फाइन टू टेक द फर्स्ट स्टेप। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार वो क्या सोचेगा, मैंने फ़ोन क्यों किया, अबे यार यू डेस्परेट लगेगा। इट डजंट मैटर, वो आप उसके लिए मत सोचें। हम लोग ज्यादातर जिंदगी में फैसले कर लेते हैं यार वो क्या सोचेगा। नहीं, आप वो मत सोचें ना, आप अपना सोचें। फ्यू अगर आपका दिल चाह रहा है, आपकी कोई कलीग आपको लगता है यार मेरी इससे अच्छी दोस्ती हो सकती है, या कोई मेल आर्टिस्ट है उससे अच्छी दोस्ती हो सकती है, टेक द फर्स्ट स्टेप, इट्स फाइन, इट्स ऑल राइट। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी कपड़ों का मेल फंक्शन हुआ होता है, तो आप क्या करते हैं उस टाइम पे? उसको छुपाते रहते हैं या जाके फौरन चेंज करते हैं? जाके फौरन चेंज करूंगा। कंफर्ट, हाँ कंफर्ट लेवल होना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे जवाब आपने दिया। वक्त हुआ दो आखिरी सवालात का, एक आदि पूछेगा एक मैं पूछूंगा, आपने सोच समझ के जवाब देना है। जी आदि भाई। मैं जो आज आपके लिए सवाल लेके आया हूँ, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों हम ये सवाल इसलिए करते हैं ताकि एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जितना फ्रेम ऑफ वर्क है या एक्सपीरियंस है, लोग आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, आपके ओपिनियन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और मुझे लगता है कि आप जैसी शख्सियत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा दिमाग में रखें। तो टीवी पे ये एक बार चलेगा जैसे कि आपको पता है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये बार बार चलता है, और ये गलती से ये वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा वायरल भी हो जाता है। तो आप जो भी जवाब दीगा सोच समझ के दीगा। मुझे ये बताइए कि असफर रहमान एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एज अ फेस ऑफ पाकिस्तान, उनको क्या लगता है कि इन दोनों में से ज़्यादा सही या बेहतर चीज़ कौन सी है नई जनरेशन के लिए? नाड़े वाली शलवार या इलास्टिक वाली शलवार? बड़ा कितना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, समस्या में आपने मुझे डाल दिया है। माय गॉड, ऐसे नहीं। प्लीज मुझे एक कॉफी और ला के दे, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। हेल्पलाइन नहीं है, आई थिंक नाड़े वाली शलवार। नाड़े वाली शलवार, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है जी। आखिरी सवाल आपसे, आदि या फैजान? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बस नाम लेना है। लेकिन किस वजह से आदि या फैजान? किसी भी, ड्यू टू व्हाट? हां, जो आपके ज़हन में आए, एनीथिंग, कुछ भी, और रीजन नहीं देना आप। मेरे अभी आई थिंक एट द मोमेंट आई थिंक आई विल पिक फैजान। फैजान, उसकी वजह ये कि मैं आदि को पिक करता हूँ, ये लोग कहते हैं कि वो फैजान भी हीरो आता है, तो जेलसी में उसको नहीं पिक किया। हमने बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन नहीं मांगी थी। लेकिन लेकिन नो, बट व्हाट आई मीन टू से कि आई हैड अ ग्रेट टाइम ऑन द शो एंड यू बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, बट मुझे आदि का ये लगता है कि आदि शुड एक्सपेरिमेंट अ बिट मोर विद हिज करियर। आदि को थोड़ा एक्सपेरिमेंट ज्यादा करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, डिफरेंट कैरेक्टर्स करने चाहिए। यू शुड नॉट बी स्टक इन दिस, टाइप कास्ट नहीं करना चाहिए। आपको कोई लोग किसी भी चीज तरह परसीव करें, जब आप यहाँ सोच लेते हैं ना कि यार मैं ये अब ये मुझे करना है, तो आप वो कर गुजरते, वो हो भी जाता है। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। आई थिंक यू नो यू शुड ब्रिंग इन वैरायटी, बट दैट्स अबाउट इट। आई थिंक यू, वेरी गुड जी, यू गाइस आर फैंटास्टिक। थैंक यू जी। वक्त हुआ जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद हैं आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद हैं असफर रहमान। अब हम आपके साथ खेलेंगे 5 सेकंड रूल। मजेदार 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 5 seconds रूल। यस, आपसे एक सवाल होगा, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होंगे उसका जवाब देने के लिए। और जब आप सही जवाब देंगे तभी आप हमारा करोड़ों रुपए का बजर बजाएंगे। बताइए। वेल डन। चल मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, आदि भाई आपको खेल के दिखाएंगे। 3 हरी सब्जियों के नाम बताइए। हरा धनिया, हरी मिर्च, हरा हरा खीरा। हरा खीरा, खीरा हरा ही होता बेटा। ओके अच्छा जी। नहीं, सारे सवाल जवाब देके बजर बजाना है, पहले बजाना है? नहीं नहीं, अगर सही जवाब देंगे सिर्फ तभी बजर बजाएंगे। अच्छा, पहले जवाब दूंगा फिर बजर। यस सर। और हम 5 सेकंड सुनाएंगे आपको, 5 सेकंड कैसे होते हैं जरा बजा के दिखाइए हमें। वेल डन, ठीक है ना? 5 सेकंड है ये, 5 सेकंड इसमें आपको जवाब देना होगा। तैयार है जी? 3 पसंदीदा मॉडल्स के नाम बताइए। सिर्फ 3? तुमने 5 का था। नहीं नहीं, 5 तो सेकंड है। अच्छा, सदफ कवल, फौजिया, मुश्किलीम। वेल डन, जबरदस्त। 3 पसंदीदा खानों के नाम बताइए। निहारी, पाए, बिरयानी। ओके, जबरदस्त। 3 सिटीज जो एस से आती हों। एस, सिसिली, साहिवा, सियालकोट।
दांत ब्रश करता हूँ, पानी पीता हूँ। यार आप पहले गेस्ट हैं जो ये कर रहा है, वरना किसी से नहीं हो रहा था। तीन ऐसी चीजें जो आप सोने से पहले करते हैं। फोन पे बात करता हूँ, नेटफ्लिक्स देखता हूँ और फिर सो जाता हूँ। भाई वाह, मुझे अच्छा लग रहा है ये। तीन कलर्स जो बी से आते हो। तीन कलर्स जो बी से आते हो। बी से ब्लू, ब्लू ब्लैक बर्गंडी। बहुत हो गया, ये मिस हो गया। 200 साल मिस हो गया, मिस हो गया। तुमने नजर लगा दी मुझे, कोई बात नहीं। तीन ऐसी चीजें जो आपके बैग में हमेशा होती हैं। घर की चाबियां, गाड़ी की चाबियां और फोन चार्जर। सही है। इसके घर की चाबियां हैं। अच्छा, अच्छा भाई, मैंने पूछा है, लोग चाबियां दे देते मेरे से। अच्छा, तीन एक्टर्स जो एम से आते हो। तीन एक्टर्स पाकिस्तानी कहीं के भी? मनीषा कोइराला, माधुरी दीक्षित, मधुबाला। सही है, सही है। अच्छा, आपने इनका वेट नहीं करना, आपने 5 सेकंड पूरे कर देने। ठीक है, ठीक है। तीन मिठाइयों के नाम बताएं। बर्फी, लड्डू, चमचम। अरे यार आदि भाई, क्या पूछे। अच्छा, तीन ऐसी चीजें जहाँ खारिश होती है। कमर, हाथ और लेट हो गया। बहुत लेट हो गया, लेट हो गया। अब लेवल अप हो गया। ओ, अच्छा, तुम्हारी बोलते ही बोलना है। हाँ, ओके 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 ओके। तीन ऐसी चीजें जो छोटी अच्छी नहीं लगती। सैलरी। बस 5 सेकंड पूरे। सैलरी, सैलरी छोटी अच्छी। अच्छा, 5 सेकंड के बाद आपने बैंक देना उसको। ठीक है। तीन ऐसी चीजें जो एकदम से गीली हो जाती है। एकदम से गीली हो जाती है। हाँ भाई, कुछ भी, जैसे आपको छींक आ जाए तो आपका हाथ गीला हो जाता है अचानक से। गाड़ी पे पानी फेंक दे, गाड़ी गीली हो जाती है। आपने उस तरफ नहीं जाना। अच्छा, उस तरफ नहीं जाना। हाँ, शावर के नीचे जाए अचानक से गीले हो जाएंगे आप। कैसा कैसा डिस्गस्टिंग गाइस। तीन ऐसी चीजें जो एकदम से निकल जाती है। टूथपेस्ट, ट्यूब से, झूठ और सच। ओ यार, वेल डन, बेहतरीन जवाब दिया आपने। नहीं नहीं, सही जवाब दिया। झूठ भी निकल जाता है, सच भी निकल जाता है, हंसी भी निकल जाती है। तीन एक्टर्स जो झूठ बोलते हैं। तीन एक्टर्स जो झूठ बोलते हैं। सीनियर एक्टर्स इंडिया से वापस आए हुए एक्टर्स। पहला आदमी जिसने इस बात का जवाब दिया है और बहुत अच्छा जवाब नहीं दे पाता। बहुत अच्छा जवाब। ठीक है जी, तीन ऐसे एक्टर्स जिनको पॉलिटिशियन होना चाहिए। हमजा बासी। मैं तो हूँ पहले से। नहीं नहीं, वो इमरान खान है। अच्छा सॉरी। तीन पसंदीदा क्रिकेटर्स के नाम बताएं। शोएब मलिक, वसीम अकरम, बकार यूनुस। ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। हाँ। तीन ऐसी चीजें जिनमें उंगली नहीं डाल सकते। तीन ऐसी चीजें उंगली नहीं डाल सकते। याद रखे, पहुंच तो गए होंगे। पता नहीं, स्विच बोर्ड में उंगली नहीं डाल सकते। सही बात है। शॉर्पनर में, शॉर्पनर में उंगली, दीवार में उंगली नहीं डाल सकते। और वो स्विच बोर्ड कहीं भी हो, कहीं भी हो, और वो शॉपनर कहीं भी, आपने उसका उसमें उंगली नहीं था। हाँ, या आप किसी चीज को प्यार से शॉपनर बोलते हो उसमें भी नहीं। हाँ। मेरा शॉपनर बिल्कुल ठीक है। तीन ऐसी चीजें जो लटकी भी होती हैं। यार आपको शलवार, शलवार, तलवार। यार आप शलवार क्यों बोले, आप कपड़े बोले। नहीं नहीं, शलवार भी लटकी हुई होती है, सूखे शलवार लटक रही होती है, सूखे। गलत नहीं है, गलत कहीं से। हमारी एपिसोड आहिस्ता आहिस्ते सिर्फ वेब की तरफ जाती जा रही है। ये टीवी नहीं, नहीं, नहीं। शलवार लटक रही होती है। देखिए, शलवार, शलवार लटक लटक नहीं रही होती है। बिल्कुल तलवार नहीं लटक रही होती दीवार पे, सर पे नहीं, सर पे नहीं, लोग ड्राइंग रूम में लटकाते हैं भाई। बस ये फलाने उनकी तलवार थी लटकाई हुई। इसका आधा तो मुझे मार्क देना चाहिए। नहीं नहीं, पूरा दिया आपको, है ना। बेफिक्र हो जाए। अच्छा जी, तीन पसंदीदा गाड़ियां। गाड़ियां फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूजर और जगुआर। वेरी गुड, वेरी गुड। तीन एक जैसे नाम। वफा, जफा, दुआ। जफा, जफा कौन सा नाम? वफा, जफा, दफा। ऐसे ही लग रहा था मुझे। जफा तो नाम नहीं, लेकिन वफा। यू नो, मैं एक फैमिली से मिला था, मैं सीबीओ पे था, शूटिंग कर रहा था। एक फैमिली थी, उनका एक हमारे एथनिक ग्रुप से ताल्लुक था। तो वहीं तो उन्होंने अपनी बेटियों से मुझे मिलवाया था, तो मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है, दुआ, वफा और तीसरी अभी को इसी तरह का नाम, इसी तरह का नाम था। मेरे का आपको याद भी रहते होंगे तीनों के नाम। ठीक है। तीन ऐसी चीजें बताएं जो मर्द को ज्यादा नहीं खानी चाहिए। मिंट, मिठाई और गुस्सा। गुस्सा, मिठाई, तीसरी चीज नहीं बताई। मिंट, मिंट बोला था ना। मिंट, अच्छा मैं समझा खट्टा। अगर आप ज्यादा मिंट खाएंगे
तो आपको पता है प्रॉब्लम क्या हो सकता है। जी जी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, दूसरा आप मिठाई ज्यादा खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो सकती है, और गुस्सा अगर आप खाएंगे तो दैट इज नॉट ऑन। वेरी गुड, आपकी तबीयत बहुत खराब हो सकती है। और इमली भी नहीं खानी चाहिए। इमली? जी जी। अच्छा, मैं तो सोचा भी नहीं कभी। आप क्यों, आपने क्या नुकसान उठाया इमली खा के? इमली क्यों नहीं? इमली नहीं खानी चाहिए। वजह? फिर दाल में क्या डालोगे अगर इमली वैसे का? ये तुमने अच्छा किया है। वेरी गुड। तीन ऐसी चीजें जो आप सर्दियों में पहनते हैं। जैकेट, स्वेटर, पुलोवर। तीन ऐसी चीजें जो आप सर्दियों में उतारते हैं। क्या 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 क्या? सॉरी, तीन ऐसी चीजें जो आप सर्दियों में उतारते हैं। अरे यार इतना भाई, जैकेट, स्वेटर, पुलोवर पहना है तो उतारेंगे भी ना, वही चीजें उतार दें हम। तीन ऐसी चीजें जो आप किसी के लिए नहीं कर सकते। उधार नहीं दे सकता, झूठ okay. नहीं बोल सकता, और झूठी मोहब्बत जाहिर नहीं कर सकता। लेट हो गया आप। ये बताएं कि उधार देते ही नहीं है? नहीं, सही किसी है। को नहीं दिया? ना 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 ना, दिया ही नहीं। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही करते हैं। नहीं नहीं नहीं, दोस्ती और पैसे का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। नहीं तो दोस्ती के अलावा पहले से ना, मेरे ऑल माय फ्रेंड्स, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, कि उधार पैसा ये सब यहाँ पे, आई एम सो सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन उधार का कोई सीन नहीं। मुझसे वापस नहीं मांगे जाते और अगला देता भी नहीं है। हाँ, मुझसे वापस नहीं मांगे जाते। और मैंने शुरू में देखे, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। मैंने जब भी जिसको भी कभी की दिया ना सना, तो वो वापस नहीं आया। नहीं और आया। फिर वो स्टोरी यहाँ इतनी हो जाती है, फिर अच्छे खासे रिश्तेदारियाँ खराब हो जाती है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी लोग आपसे ताल्लुकात इसी बेस पे बनाते हैं कि तो बेवकूफ से निकाल लेंगे। तो आई थिंक इस वजह से, आई थिंक आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। नहीं बिल्कुल ठीक है। तीन पाकिस्तानी एक्ट्रेस के नाम बताएं। लेडी गागा, जॉर्ज ट्रैवोल्टा और लियोनार्डो डिकैप्रियो। ना, लेट हो गया। चलें मान लेते हैं। लेडी गागा एक्टर है? तीन ऐसे डायरेक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। जिनके साथ काम करना चाहते हो? आई वांट टू वर्क 1 सेकंड विद नदीम बेग, बजाज एंड फहीम भट्ट। दो के साथ तो आप कर चुके हैं, उनके साथ दोबारा ही करना, दोबारा करना चाहते हैं। तीन ऐसी चीजें बताएं जिनसे दाग लग जाते हैं। जिनसे दाग लग जाते हैं? इंक, हल्दी, सिंदूर। ओए होए होए होए, सिंदूर कितना अच्छा मैनेज किया यार। अच्छा मैनेज, ठीक है। तीन ऐसी चीजें जो आप गुस्से में करते हैं। फोन ऑफ कर देता हूँ, बात नहीं करता, और बस दो करता हूँ। फोन ऑफ करना तो बात ना करना तकरीबन एक ही बात। हाँ बस यही। तीन ऐसी चीजें बताएं जो करते हुए आपको मजा आता है। खाना खाते हुए, सोते हुए, और आपको जाना पड़ेगा इस तरह। ठीक है, तो अच्छा तीन ऐसे बहाने जो आप लेट होने पे बनाते हैं। अरे 5 मिनट, अरे ट्रैफिक था, अरे गाड़ी खराब हो गई थी, अरे वो बाइक वाला गिर गया था, बाइक वाला गिर गया। हाँ भाई, क्यों गिर गया? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा तीन ऐसी बातें जो आप करते हैं जो पैसे निकलवाने के लिए। देखिए, घर का रेंट देना है, घर का रेंट, घर का रेंट देना है, बिल देना है, बच्चे की फीस देनी है स्कूल की। ठीक है, सही है। ठीक है, वेरी गुड, बड़े अच्छे जवाब दिया आपने। बहुत अच्छे भाई, एक के मेरे ख्याल से वो सबसे ऑनेस्ट जवाब है। नहीं, नहीं, आपने पूरी दुनिया अग्री करती है। आपने अब तक किसी ने ऐसा 5 सेकंड रूल नहीं खेला जैसा आपने खेला? सही बताओ, सीरियसली ये कितने लोग हैं यहाँ पे? सही बता रहा हूँ, इतना अच्छा किसी ने नहीं खेला। तकरीबन लोग एक दो सही जवाब देते हैं, आपने सारे ही सही दे दिए, बल्कि कुछ तो काटने पड़ गए। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी वजह ये है क्योंकि आप खुद बहुत अच्छे होस्ट है, इसलिए आपका दिमाग इतना तेज है। ये थैंक यू, वेरी गुड। अच्छा जल्दी से हम आपके साथ एक ये गेम खेलेंगे कि हम आपको सारे पैसे दे रहे हैं दुनिया के, सिर्फ गेम में, सिर्फ गेम में कास्टिंग करनी है आपको एक फिल्म की जो आप अपनी खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिर्फ 5 कैरेक्टर्स हैं उसमें। आदि भाई जल्दी से 5 कैरेक्टर्स दें। इसके अंदर 2 हीरो हैं। अच्छा तो मुझे ना एक एक करके पूछता, पहला हीरो, दूसरा हीरो, इस तरह करें तो ठीक है। पूछें। इसमें एक हीरो है जो कि थोड़ी यंग एज का है। ठीक है, कौन होगा? फिरोज। फिरोज खान यंग एज का है वो। यस ठीक है। एक दूसरा जो हीरो है वो जरा बड़ी एज का है। मतलब कितनी एज ग्रुप? मतलब 50s, बड़ा भाई, बड़ा भाई, 50s टाइप। हाँ अच्छा, आई थिंक उसमें फिरोज, आई थिंक इवन दो ही लुक्स यंगर, आई थिंक आई विल टेक शमून अब्बासी। शमून अब्बासी, ठीक है। nice. इसमें जो हीरोइन है वो इन दोनों एज ग्रुप के बीच की एज की है। महविश। महविश याद, ठीक है। इसमें एक अंकल है जो बोल नहीं सकते, गूंगे, जो बोल नहीं सकते, उनकी मतलब उनकी बहुत एक्टिंग का बहुत। बहरोज सब्जवारी। बहरोज सब्जवारी। और इसमें उनकी एक बेटी है जो सुन नहीं सकती और देख नहीं सकती। एज
छोटी है, बेटी है छोटी। मतलब व्हाट एज? 18, 16। 18, 16 टाइप सिराज़गर। सिराज़गर। और इसमें एक मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है जिसकी सिर्फ आवाज होती है। जिसकी सिर्फ आवाज आएगी? सिर्फ आवाज है। तरत हुसैन। तरत हुसैन साहब, क्या बात है। मुझे एक बात सबसे अच्छी लगी कि दुनिया के तमाम पैसे दे दिए लेकिन सिर्फ कास्टिंग इन्होंने पाकिस्तान से की। वेरी गुड। तो मैं अपनी ऑफ कोर्स आई थिंक आपको हमेशा अपनी चीज को प्रमोट करना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तो ये बताएं कि इस फिल्म का नाम क्या रखेंगे आप? मुझे स्टोरी तो बताई नहीं तुमने। स्टोरी आपकी मर्जी है। लव स्टोरी? हाँ, लव स्टोरी। हाँ, इसका नाम होना चाहिए फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे, वेरी गुड। और ये डायरेक्ट कौन करेगा? आई थिंक मैं इतना सब कुछ करूँ, मैं डायरेक्ट खुद ही करूंगा ना, ये मेरा परसेप्शन है। मर्जी आपकी, मर्जी आपकी, मर्जी आपकी। इंतहा से ज्यादा पैसे बचा लिया आपने, है ना? और ये डायरेक्ट के लिए सारे अपने लोगों को पास कर लिया। फिरोज मुझे कम पैसे मांगेगा, मैं भी कम मांगेगी। चलो ये तो सही है। तो शूट कहाँ करेंगे आप? वहाँ पैसे लगा दें। आई थिंक आई विल शूट इट इन इस्तांबुल। इस्तांबुल और कैपाडोकिया, अज़रबैजान, बाकू। वेरी नाइस, वहाँ भी पैसे बचाए क्योंकि वहाँ शूट के अक्सर लोग पैसे नहीं लेते। वेरी नाइस, अच्छा किया आपने। वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे इतनी अच्छी चीज़ लगी, मैं एक फिल्म करने अभी बहरीन गया था 2-3 साल पहले, और वहाँ लोग हमसे पैसे नहीं ले रहे थे शूट करने के। वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, हमारा मुल्क खाएगा, आप लोग शूट कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमसे पैसे नहीं ले रहे थे। हमारे यहाँ आप एक रूम लेने चले जाए शूट करने के लिए तो खड़े होते हैं 25,000 रुपये बिजली आती है। अब देखो मेरा ना एक टोटल माइंडसेट अलग है। मैं ये जो तुम सारी बात कर रहे हो ना, मैं इस सारी बात को इधर रखे, मैं कहता हूँ मुझे वो जगह बताओ जहाँ हम लोग शूट भी करें और हमें पैसे भी मिले। पैसे भी मिले, ये कोई आगे की लेवल कोई ऐसी चीज हो ना। देखो ऐसी जो कि हम यहाँ शूट करने गए और हमें वहाँ पैसे भी मिले। जितना मैं यू नो कभी भी मैं कहीं जाता हूँ ना, तो वहाँ पे जाने से पहले आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज के मैं वहाँ मैं कैसे अर्न कर सकता हूँ, ज्यादा कर सकता हूँ। और आई थिंक सोशल मीडिया एक इतनी जबरदस्त, यूट्यूब और यू नो ये चीजें ऐसी एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू नो यू कैन डू वंडर्स। यू आर अ नोन फेस, आपकी एक फॉलोइंग है और आप लोग आपको जानते हैं। तो आई थिंक अगर आप थोड़ा सा अपना ब्रेन कल्टिवेट करें, हम लोग 99% क्या करते हैं, इधर रह जाते हैं कि देखो हमारे तो ये होता है, वहाँ ये होता है। नहीं, एक और एक तीसरी जगह भी है जहाँ पे आप बहुत बेनिफिट करके अपने मुल्क को और ऊपर लेके जा सकते हैं। तो आई थिंक हमें वहाँ वो जगह टारगेट करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, जो आपने इतने सारे पैसे बचा लिए इनका क्या करेंगे? हाँ, जो आपने इतने सारे पैसे बचा लिए सेगमेंट में, उसके क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए। बहुत सारे पैसे अगर आ जाए तो देखो मैं ऑनेस्टली मैं एक तो उसको आधा डिवाइड करूंगा मार्केटिंग बजट में। ठीक है, ठीक है। और फिर मैं उसके अंदर कोई लेबनीज एक्ट्रेस से आइटम सॉन्ग करवाऊंगा। ओह इंटरेस्टिंग, ठीक है। और तीसरा जो बच जाएंगे वो अगली फिल्म में लगाऊंगा। अच्छा, ये जो लेबनीज आएंगी जो करेंगी आइटम सॉन्ग, ये सिर्फ फिल्म में करेंगी? देखो ये मैंने कहा मैं उनसे आइटम सॉन्ग कराऊंगा, मैंने ये नहीं कहा मैं वो फिल्म में डालूंगा। ओ लेकिन करवाऊंगा। मैंने देखा आपने जुब्बा पहना है और रियाल उड़ा रहे। देखो इन्होंने कहा एक ये साइड होती है, एक होती है वो साइड। हाँ, ये वो साइड कर रहे हैं। नहीं देखो प्रमोशन के लिए आपको कुछ गिमिक्स करने पड़ते हैं। अच्छा वैसे आपको अनलिमिटेड पैसे दे दिया जाए तो क्या करेंगे उनका? करेंगे क्या मतलब ऐसी? देखो ऑनेस्टली अगर पैसे मिल जाए अब जाती तौर पे क्या करूंगा, ये वैसे ही जाती तौर या ओवर ओवर ओवरऑल क्या करना? देखो मैं बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ तालीम में। ठीक है, इन पाकिस्तान हर जगह मैं ऐसे इदारे बनाऊंगा जहाँ तालीम और बच्चों की रिहाइश फ्री हो, जो सड़कों पे फारिग कर रहे हैं। वाह, उनका खाना, रिहाइश और तालीम फ्री हो। मुझे लगता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में द ओनली वे आउट इज एजुकेशन। आपको एजुकेशन आम कर देनी चाहिए, एजुकेशन यूनानिमसली इक्वल कर देनी चाहिए। ये क्लास सिस्टम नहीं होगा उससे, सब लोग एक तालीम हासिल करें, एक स्कूल से पढ़े, एक जबान बोले, कोई ज़्यादा बर्गर या कोई कम बर्गर ना हो, सब एक तरह के लोग हो, सबके पास डिग्रीज हो, सब जॉब्स कर सके, पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर सके। तो ये तालीम की बात हुई तो ऐसे मेरे जहन में आया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कहते हैं कि जी अभी हम मार्च बॉन्ड ले रहे हैं, फेब बॉन्ड नहीं ले रहे, बच्चा आपका 6 महीने का। मैंने देखे यू नो जस्ट टू करेक्ट यू, मैंने यही कहा मैं एक ऐसा इदारा बनाऊंगा जहाँ ये सारी बातें नहीं होंगी। तो ये आपको लगता है सही नहीं है ना? मेरे ख्याल से सही नहीं है। आई थिंक जो स्कूल्स हैं उनको ज्यादा अकोमोडेटिंग होना चाहिए। जी जी। स्कूल्स कुछ आउट ऑफ हैंड हो जाते हैं। मैं अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए जा रहा था, मैं कितने सारे स्कूल्स गया, वो मुझे देख के जो वो लीनियंट हो जाते हैं, मेरे ख्याल से वो हर पेरेंट को देख के लीनियंट हो, क्योंकि सबके बच्चे बराबर है। सबके बच्चे, तो आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता मेरे बेटे को किसी किस्म की कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे, उसको नॉर्मल बाकी बच्चों की तरह ट्रीट करें, इज अ नॉर्मल चाइल्ड। और यहाँ जो ये होता है कि नहीं वो उसका बच्चा है तो हम ये करेंगे, इसका बच्चा तो हम वो करेंगे, नो, आप सारे बच्चों को एक तरीके से डील करें, क्योंकि देखिए कल को आपको अपनी जिंदगी मौत का नहीं पता। ये बच्चे मुस्तकबिल हैं इस कंट्री का और इन सबको एक लेवल पे होना चाहिए। दैट्स व्हाट माय पर्सनल। बिल्कुल ठीक है अस्पताल, थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे जवाब दिए। इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो। जाने से पहले आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखेंगे, तो अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज। AZFU इज माय इंस्टाग्राम, जस्ट फॉलो मी। ओह वंडरफुल। आदि भाई आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपने बच्चे का जिससे उसकी जिंदगी शुरुआत होती है वो स्कूल है, अगर वो स्कूल ही बिजनेस बन जाएगा
तो बाद में जब वो डॉक्टर या इंजीनियर कुछ बनेगा तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो इतनी फीस क्यों ले रहा है, इन्होंने तो कारोबार बना दिया है। क्योंकि जब उसकी ज़िंदगी इस तरह शुरू हुई है तो वो भी ज़िंदगी वैसे ही गुजारेगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों को इस तरह ना ले। दूसरी बात जो मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, ये जो बच्चे छः छः गार्डों के साथ आते हैं, मुझे नहीं पता अगर आपके बच्चे को इतना सिक्योरिटी का मसला है उसको घर से निकलने ना दें, उसको घर में रखें। तीसरी बात यह है कि जब अपने बच्चे को स्कूल से पिक करने आते हैं तो इंसान के बच्चों की जरा गाड़ी लगाया करें साइड पे, पार्किंग की जगह पे लगाया करें, किसी के गेट पे ना लगाया करें, डबल पार्किंग पे ना लगाएं, क्योंकि वो बच्चा देख रहा है और बड़ा होकर फिर वो भी ये करेगा, यही उसको लगेगा कि सही है। बहुत आदि भाई शाबाश, उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शर्मीन अली और मैं आ रही हूं मजेदार शो पर विद फैजान एंड आदि, ओनली ऑन टीवी 1।